Mafi Bango! ड्रामे के अगली एपिसोड में जब दुआ की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो फ़रा के घर पहुंच जाती है और कहती है फ़रा से कि मेरी और गजनवी की ज़िंदगी से दूर रहो और जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा फरा कहती है दुआ से कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो गजनवी हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा और वह मुझसे ही मोहब्बत करता है दुआ को फ़रा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गु़स्सा आता है और वह वापस आ जाती है और से कहती है आकर है आकर कि लगता की मोहब्बत आपके दिल में अभी भी मौजूद है. अगर आप उससे शादी करना हैं तो कर ले। मैं आपको नहीं रोकूंगी. लेकिन उससे पहले आपको मुझे मुझे छोड़ना होगा. और मुझे तलाक चाहिए. को ये सुनकर दुआ पर रोकूँगी हाँ मैं मानता हूँ कि मैं फ़रा से हूँ उसका मतलब ये नहीं अभी भी, भी उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ लेकिन फ़र्ज़ करो अगर मैंने यह करना भी हुआ तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके गजनवी की यह बातें सुनकर दुआ थोड़ा पुरसकून हो जाती है कि शुक्र है ग़ज़नवी फरा से शादी नहीं करेगा ग़नवी दुआ से कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं हो तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो और मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा दूसरी तरफ़ फरा गजनवी से मिलने के लिए आती है तो गज़नवी और दुआ की बातें सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है गजनवी की बातें सुनकर कि गजनवी तो किसी सूरत दुआ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं इसलिए वो सोचती है कि उसे नया प्लान बनाना होगा वो गजनवी से कहती है कि गजनवी तुम इस दो टक्के की लड़की की खातर अपनी मोहब्बत को मानने से इनकार कर रहे हो अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। ये कहकर फरा गज़नी को परेशान करके वहाँ से चली जाती है और गज़्वी फ़रा के पीछे जाता है दुआ को छोड़कर कि कहीं वो सच में ऐसी कोई हमाकत ना कर दे